हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है इस नए वीडियो में। इसमें बात करने वाले हैं गोवा सीपीआर लिमिटेड में जो है कुछ पदों पर बहाली निकाली गई है। आप किसी भी राज्य से आते हैं, एलिजिबिलिटी रखते हैं, तो आप जो इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है फ्रेंड्स। तो मैं आपको जो एक फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है, इसमें जो डिमांड ड्राफ्ट जो बनवानी है वो कैसे बनवानी है, और उसके बाद से आपको उस डिमांड ड्राफ्ट को जो है कहाँ पे भेजना है, ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को भी लाइक करिए। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप एसएससी जीडी की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए जो है धुरीना ऐप बहुत ही बेस्ट प्लेटफॉर्म है। यहां से जो है आप एसके झा सर के द्वारा जो है मात्र 499 रुपए में जो है पूरे एसएससी जीडी का जो है तैयारी कर सकते हैं। ये जो ऑफर है फ्रेंड्स, आपको 5 मई तक रात को 12 बजे तक लागू रहेगा। अगर आप इसके अंदर में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको जो है मात्र 499 रुपए में एसएससी जीडी की तैयारी के लिए पूरा फुल बैच जो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मैंने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, आप जाके वहां से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और जो है आप एसएससी जीडी की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं, ये जो है पीडीएफ नोटिफिकेशन जो है जारी किया गया है गोवा सीपीआर लिमिटेड के द्वारा, और यहाँ पे जो है कई प्रकार के अलग अलग पदों बहाली निकाली गई। यहाँ पे देख सकते हैं जनरल फीटर के 5 पद है, इलेक्ट्रिक मैकेनिक के यहाँ पे 1 है, कमर्शियल असिस्टेंट के 1 है, टेक्निकल असिस्टेंट के 3 पद हैं, अनस्किल्ड के लिए यहाँ पे 25 पद हैं, और यहाँ पे इसके सामने सैलरी भी आपको दिखाई गई है। उसके बाद से FRP लेमिनेटर के लिए 5 पद है, EOT क्रेन ऑपरेटर के लिए 10 है, वेल्डर के लिए 25 है, स्ट्रक्चर फिटर के लिए यहाँ पे 42 यहाँ पे आप देख सकते हैं, नर्स के लिए 3 यहाँ पे पदों बहाली निकाली गई है। अब यहाँ पे और भी कई प्रकार के अलग अलग पदों बहाली निकाली है। इसका जो है यहाँ पे देखिए ऑनलाइन जो स्टार्ट है 4 मई से फॉर्म फिल कर सकते हैं, और लास्ट डेट यहाँ पे जो है 4/6/2021 तक आप फॉर्म को फिल करेंगे शाम को 5 बजे तक। और देखिए यहाँ पे जो है आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवानी है, जैसे जनरल OBC EWS के कैंडिडेट्स में यहाँ पे उनको जो है अप्लीकेशन फी जमा करना होगा। अप्लीकेशन फी जो है ये ऑनलाइन नहीं जमा करना है, बल्कि जो है आपको डिमांड ड्राफ्ट के तौर पे जमा करना है। जैसे आप किसी भी नेशनलाइज बैंक में जाएंगे वहां पे आपको जो है डिमांड ड्राफ्ट बनवानी होगी। अब यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट जो बनवानी है वो किसके फेवर में बनवानी है मैं अभी आपको बताऊंगा, और उसको जो है लास्ट डेट भेजने का जो है डिमांड ड्राफ्ट 14/6/2021 तक जो है रखा गया कि आपको जो है लास्ट डेट। अभी मैं आपको एड्रेस भी बताऊंगा कि आपको डिमांड ड्राफ्ट कहाँ पे भेजनी है, कैसे भेजनी है। तो ये जो है गाइडलाइंस दिया हुआ है, आप यहाँ पे जो है इसकी क्वालिफिकेशन क्या है आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब आपको कैसे ऑनलाइन करना होगा फ्रेंड्स, तो मैंने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार से पोस्ट ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको जो शॉर्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अब यहाँ पे शॉर्ट नोटिफिकेशन आप एक बार पढ़ लेंगे, और मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है कि आपको जो है किस कैंडिडेट्स को अप्लीकेशन फी जमा करना है, डिमांड ड्राफ्ट बनवानी है, किसको नहीं बनवानी है। देखिए आपको जो डिमांड ड्राफ्ट बनवानी है वो आपको गोवा सीपीआर लिमिटेड पेएबल एट वास्को डी गामा गोवा। आप किसी भी बैंक में जाएंगे वहां बोलेंगे कि हमको एक डिमांड ड्राफ्ट बनवानी है 200 रुपये का। अगर आप जनरल ओबीसी से आते हैं तभी आपको बनवाना है, तो दूसरे किसी को नहीं बनवाना है यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है ना। तो वो लोग बना देंगे आपसे, 200 से कुछ और एक्स्ट्रा रुपए लेते हैं, जो सर्विस चार्ज होता है वो लेंगे बैंक वाले, और आपका जो डिमांड ड्राफ्ट बनवा देंगे। आपको पूछेंगे किसके नाम से बनवाना है और कहाँ के लिए बनवाना है, तो आपको बता देनी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ऑनलाइन के लिए खुल जाएगा पोर्टल। अब मान के चलिए आप जो जिस भी पद के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं उसके सामने यहाँ पे देखिए जो है पद का नाम, और यहाँ पे नीचे में उसका अप्लाई नाउ का जो है लिंक भी दिखा रहा है। तो आप अपना जो एलिजिबिलिटी चेक करेंगे, अपना जो है क्वालिफिकेशन चेक करेंगे, आप जिस भी पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं यहाँ पे देखिए पेज नंबर 2 भी यहाँ पे आ रहा है। तो अगर पहले पेज में आप जो खोज रहे हैं वो नहीं मिल रहा तो आप पेज नंबर 2 पे जाएंगे। अब आपको क्या करना है, जो भी आपका क्वालिफिकेशन है, जो भी आपका पोस्ट है, उस पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप उसके सामने वाले लिंक पे क्लिक करेंगे। आप चाहें तो मल्टीपल पोस्ट के लिए भी आवेदन कर सकते हैं अगर आप क्वालिफिकेशन रखते हैं तो। चलिए हम यहाँ पे एक पे क्लिक करते हैं। आपको यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है, नोटिस है, आपको एग्री कर लेना है। एग्री करने के बाद आपको नीचे आना है, कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए बोला गया है यहाँ पे कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पोस्ट द ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट। जो ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट बनवानी है वो आपको यहाँ पे भेजनी है। यहाँ पे एड्रेस भी आपको दिखाई देगा जब आप इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे तो, ठीक है ना। और यहाँ पे बताया गया है कि आपको जो किसके फेवर में बनवानी है, ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट आपको भेजना ही है पोस्ट ऑफिस के द्वारा। अब यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है अपनी फॉर्म को फिल करनी है। जैसे सबसे पहले आपको यहाँ पे चूज करना है फुल नेम, मिस्टर MRS मिस क्या है, अपना फर्स्ट नेम लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ पे आपको जो है अपना लास्ट नेम लिखना है, और मिडिल नेम भी लिख सकते हैं, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। अब आपको पूरा नाम यहाँ पे लिखना है जो आपका मैट्रिक पे स्पेलिंग है, इसी को ध्यान देनी है। फादर नेम यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे चूज करेंगे इस तरह से, आप अपना फादर डिटेल्स फिल करेंगे, मदर डिटेल्स यहाँ पे फिल करेंगे और उसकी जानकारी यहाँ भरेंगे। जेंडर यहाँ चूज करना है, मेल फीमेल क्या है, नेशनलिटी ऑलरेडी रहेगी, मैरिटल स्टेटस मैरिड है या अनमैरिड है,
ये बता देनी है आपको। डोमिसाइल बताना है कि आप किस राज्य से हैं, आप यहाँ पे डोमिसाइल चूज कर लेंगे। ईमेल आईडी यहाँ फिल करेंगे, अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे। अगर आप इंप्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर हैं तो उसकी जानकारी यहाँ भरेंगे, नहीं तो इसे छोड़ देंगे, मैंडेटरी नहीं है। देखिए जो भी स्टार मार्क्स लगा होता है ना फॉर्म में, वो मैंडेटरी होता है भरना। अगर नहीं भरेगा तो फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। जिसमें स्टार मार्क्स लगा हुआ है उसको भरना जरूरी है, जिसमें नहीं लगा है अगर उसे नहीं भरते हैं तो फॉर्म आगे बढ़ भी जाएगा, ठीक है ना। तो स्टार मार्क्स जहाँ लगा हुआ है उसको आपको यहाँ पे भरना जरूरी होता है। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करनी है। अब जैसे यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको जो है अब अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरना है। आपको अपना यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को चूज करेंगे, यहाँ पे रिलीजन बतानी है। उसके बाद यहाँ पे आपको कैटेगरी बताना है कि आप किस कैटेगरी के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं, ओबीसी एससी एसटी। तो आप यहाँ पे अपना कैटेगरी चूज करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे ओबीसी चूज किया। उसके बाद से आर यू अप्लाई फॉर, किस कैटेगरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ओबीसी के लिए करेंगे या अनरिजर्व के लिए करेंगे, तो आपको अपने यहाँ पे चूज कर लेनी है। उसके बाद से सब कैटेगरी बतानी है। आप ये नहीं भी लिखेंगे तो फॉर्म आगे बढ़ जाएगा, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। उसके बाद से आप जो इंप्लॉयमेंट जीएसएल हैं, अगर हैं तो यस करें, नो करेंगे। फिजिकली डिसेबल्ड है तो या इसको टिक करेंगे, नहीं है तो यहाँ पे छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो आपको अपने अनुसार फिल करना है। एक्स सर्विस मैन है तो यहाँ टिक करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करनी है। अब जिसे यहाँ पे सेवन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो है आगे प्रोसेस हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको जो है पूरा एड्रेस फिल करना है, कम्युनिकेशन एड्रेस। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका विलेज लिख दीजिए, यहाँ पोस्ट लिख दीजिए, यहाँ थाना लिख दीजिए, यहाँ अपना सिटी लिखिए, यहाँ पे अपना राज्य का नाम चूज करेंगे, और यहाँ पे आप क्या करेंगे अपना जीप कोड, मतलब जो है पिन कोड अपना लिखेंगे, ठीक है ना। अगर ये दोनों एड्रेस सेम है, जैसे कॉरेस्पेंडेंस एड्रेस और यहाँ पे परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है, तो इसको टिक करेंगे तो सेम सेम यहाँ पे हो जाएगा। अगर दोनों अलग अलग है तो आप क्या करेंगे, इसे मैनुअली फिल करेंगे। कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पूछ रहा है तो यहाँ पे देखिए ऊपर में रेसिडेंशियल नंबर देना चाहते दे दीजिए, ऑफिस नंबर है तो दे दीजिए, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पे आप क्या करिए, सिंपली जो अपना जो है मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख दीजिए। दूसरा कोई नंबर देना चाहते हैं तो यहाँ दे दीजिए, नहीं तो छोड़ सकते हैं, नेसेसरी नहीं है। अब यहाँ पे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपको बता दीजिए कि आपका जो नियरेस्ट स्टेशन कहाँ पे है, तो आप अपना जो है नियरेस्ट स्टेशन रेलवे स्टेशन पूछ रहा है तो अपना रेलवे स्टेशन यहाँ पे लिख दीजिएगा, जो भी आपके नजदीकी में है। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स अब अगला स्टेप यहाँ पे खुल जाएगा, आपको जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको फिल करना है। तो यहाँ पे जो भी आपका क्वालिफिकेशन, आप जो पोस्ट चूज करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे जो है ये पोस्ट चूज किया, तो यहाँ पे जो भी क्वालिफिकेशन बोला गया है इसकी क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपको जो है आएगा। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, तो आप जो यहाँ पे अपना एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे फिल करेंगे, तो जो भी आपका क्वालिफिकेशन यहाँ पे फिल करने के बाद से सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद से आपको जो एक्सपीरियंस और फ्रेशर की जानकारी पूछेगी, उसको फिल करेंगे। उसके बाद से फ्रेंड्स आपको जो है अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, जो भी आपका रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है उसको अपलोड करेंगे। उसके बाद से अगर आप जनरल रहेंगे, ओबीसी रहेंगे, तो उस कैंडिडेट्स में आपको जो है क्या करना होगा, एक डिमांड ड्राफ्ट नंबर वहां पूछेगा, कौन से बैंक से आपने डिमांड ड्राफ्ट करवाया, वो चीज़ आपको जो फिल करने का ऑप्शन आएगा। उसके बाद आपको सबमिट करनी है। तो देखिए यहाँ पे आपको डिमांड ड्राफ्ट जब बनवानी है तो आप जो बैंक में जाएंगे वहाँ पे आपको बोलनी है कि हमें एक डिमांड ड्राफ्ट बनानी है, और उस डिमांड ड्राफ्ट को आपको क्या करना है, बनवाना है। आपको 200 रुपये देना होगा अगर आप जनरल ओबीसी से आते हैं, और डिमांड ड्राफ्ट आपका बन जाएगा। उसके बाद से आप उस डिमांड ड्राफ्ट पे जो है एक डीड नंबर होता है, डीडी नंबर, उस डीडी नंबर को आपको जो है फॉर्म फिल करते वक्त आपको रखना होगा, कब आपने डिमांड ड्राफ्ट बनवाया। डिमांड ड्राफ्ट की स्कैन कॉपी भी स्कैन करके अपलोड भी करना है, और यहाँ पे बैंक वगैरह की सारी जानकारी वहाँ पूछी जाएगी। अब देखिए यहाँ पे आपको जो है 200 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट नॉन रिफंडेबल बनवानी है, गोवा सीपीआर लिमिटेड के नाम से बनाएगा, पेएबल एट वास्को डी गामा गोवा के लिए बनेगा। अब आप जब बैंक में जाएंगे तो बोलेंगे कि हमको जो एक डिमांड ड्राफ्ट बनवानी है, तो वो क्या पूछेंगे कि किसके फेवर बनवानी है, कहाँ के लिए बनवानी है। तो आप बस इतना बोलना है गोवा सीपीआर लिमिटेड पेएबल एट वास्को डी गामा गोवा, वो आपका डिमांड ड्राफ्ट बना के दे देंगे। अब उस डिमांड ड्राफ्ट के पीछे में आपको फ्रेंड्स जो है सारी चीज़ों को मेंशन करना है, ठीक है ना। क्या मेंशन करेंगे, तो एप्लीकेशन नंबर, जॉब रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना नाम, मोबाइल नंबर, और किस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, और एडवर्टाइजमेंट नंबर, जॉब के जो रिवर्स है, डिमांड ड्राफ्ट सॉरी जो डिमांड ड्राफ्ट है उसके रिवर्स में आपको जो है रिवर्स साइज में ये चीज़ आपको जो है मेंशन करके भेजना है। अब कहाँ पे भेजना है, तो आप सबसे नीचे आएंगे पेज के नीचे, तो आपको यहाँ पे देखिए मिल जाएगा भेजने का एड्रेस। देखिए यहाँ पे आपको भेजना है GM HR and A HR डिपार्टमेंट डॉक्टर BR अम्बेडकर भवन गोवा CPR लिमिटेड, ये पिन कोड है, आपको जो है भेज देना है। यहाँ पे देखिए ऑनलाइन जो लास्ट डेट यहाँ पे बोला गया 4/6 तक, लेकिन आपको जो है भेजने का टाइमिंग है 16 जून तक आप जो है इसको भेज सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स इस प्रकार से आपको भेजना है, और यहाँ पे जो है आपको क्या क्या अपलोड करनी है, तो अपलोड करने में फ्रेंड्स आपको जो पासपोर्ट साइज का फोटो कलर आपको जो है एक फोटोग्राफ अपलोड करनी है, और यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड जो है व्हाइट बोला गया, प्रेफेवर है, ठीक है।
और उसके बाद से आपका सिग्नेचर होना चाहिए। उसके बाद से यहाँ पे फ्रेंड्स आपको डिमांड ड्राफ्ट अपलोड करनी है। अगर आप एससी एसटी से आते हैं तो आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप डिसेबिलिटी पर्सन है तो भी आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप जो है कहीं कुछ भेजने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको जो है जिस तरह से मैंने आपको बताया इस तरह से आपको जो है फॉर्म को भर के छोड़ देना है, ठीक है ना। उसके बाद से यहाँ पे आपको जो है अपना मैट्रिक का सर्टिफिकेट डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के तौर पर आपको अपलोड करनी है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन मार्कशीट डिग्री वगैरह आप लोग अपलोड करनी है। कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करनी है। तो आप जब फॉर्म फिल करेंगे इसके आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे सारी जानकारी अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, आप जो सिंपली फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको जो फॉर्म को फिल करना होगा, मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन लगभग दे दिया है, सारी गाइडलाइंस दे दिया है। ज़्यादा जानकारी के फ्रेंड्स मैंने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप लिंक पर क्लिक करके जो है आएंगे और वहाँ से जो आप नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे, भली भांति जानेंगे, कंडीशन को समझेंगे, उसके बाद से फॉर्म को फिल करेंगे। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट से बताइएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।